चलिए देखते हैं। हमने जो है अभी देखिए फर्स्ट चैप्टर जो हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो होता है, तो उसमें देखिए एनसीईआरटी बुक मेरे पास है। एक्सरसाइज कितना होगा, एक्सरसाइज 3.1 का मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो वर्ड प्रॉब्लम है सिर्फ, ठीक है। कौन सा कराऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। उसके बाद में मतलब थोड़ा थोड़ा करके हर चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले वो करा दूं, जो बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत, जिसको समझने में इक्वेशन बनाए प्रॉब्लम, पहले वही कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं एक लाइन बता दूं कि टू वेरिएबल होता क्या है। देखिए जो क्लास 8th में हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई इक्वेशन होता है उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पर जो क्लास 10th में है इसको हम टू वेरिएबल करते हैं। टू वेरिएबल का मतलब है जैसे एक्स वाई ले लें या एस टी ले लें, मतलब इसमें दो वैल्यू होगी और दोनों अलग अलग मानेंगे, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब ऐसे इक्वेशन टू वेरिएबल बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि टू नंबर का सम कितना है, 10 है। अब टू नंबर का सम 10 होगा तो हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। और एक तरीका ये होता है कि एक नंबर को, फर्स्ट नंबर को मान लिया x और सेकंड नंबर को क्या करेंगे हम 10 - x लिख दे। देखिए ये हमारा हो गया वन वेरिएबल करूँ क्या, अगर टू नंबर का सम कितना होगा 10 होगा तो हम इस तरीके से टू वैल्यू मानेंगे x प्लस वाई इक्वल 10, मतलब फर्स्ट कुछ भी हो सेकंड कुछ भी, एक x एक y मिला के कितना होगा 10 हो गया। पर वन वेरिएबल इसी मानते हैं, फर्स्ट को एक्स मान लेते हैं और सेकंड को मानते हैं 10 - x। ये हो गया तरीका, ये वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का। टू वेरिएबल का इसका मतलब है जो भी वैल्यू होगी, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो दो जो है वेरिएबल पे डिपेंड, मतलब टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्या होगा, तो यहाँ पे अननोन उसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी रहती है। और एक चीज और कि जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, इसलिए उसका नाम वेरिएबल है। और कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे कोई नंबर है उसकी वैल्यू फिक्स होती है इसलिए उसको कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल मीन्स वैल्यू क्या होगा उसका, डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू पुटिंग दी वैल्यू। जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे उसका वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए वेरिएबल जो होगा उसके सोल्यूशन कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, एक ही का इनफाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो उसका आंसर कुछ और ऐसे, जब जब वैल्यू बदलेंगे आंसर और आएगा, ठीक है, इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो चलिए बिना टाइम लॉस के क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, क्या है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then आल्सो 3 years from now। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता कि 7 years ago 7 साल, एगो मतलब पहले, ठीक है, कहां चला गया, पहले चल गया। आई वाज 7 times as old as you were, ठीक है, आई वाज 7 times as old मतलब तुम्हारे एज से हमारी एज कितनी है, 7 साल ज्यादा है, ठीक है, कब, 7 साल पहले। पर क्या दिया, फिर आल्सो, आल्सो 3 years from now पर अब जो है 3 साल बाद जो होगी, आई बिलीव 3 times older और 3 साल बाद क्या होगी, मेरी इस तुम्हारे एज से कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसको समझा जाए है क्या इक्वेशन क्या फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट, ठीक है, आफ्ताब है, आफ्ताब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बुक में क्वेश्चन आप उसको ध्यान से पढ़ ले, आफ्ताब प्रेजेंट एज कितना होगा, एक्स ईयर होगा, ठीक है। और उसके बाद डॉटर का, डॉटर डॉटर का जो प्रेजेंट एज होगा, एज होगा वो कितना होगा, वाई ईयर्स होगा, ठीक है, वाई ईयर्स। तो आफ्ताब का हो गया एक्स ईयर और डॉटर का हो गया वाई ईयर, ठीक है। अब बोला है 3 years ago, ठीक है, 3 years, ये कंडीशन है, ये क्या है, यही होता है हमारा कंडीशन, ये कंडीशन है
कि 3 ईयर एगो। अब क्या बोलेंगे 3 ईयर एगो क्या होगा, सबसे पहले देखिए 3 ईयर एगो में हम आफ्ताब की एज की बात करेंगे तो 3 ईयर क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, इक्वल की साइन लगा देंगे और डार्टर में भी 3 ईयर, मतलब कि अब से प्रेजेंट एज अगर मानेंगे तो पीछे की एज की बात करेंगे तो 3 दोनों में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी एज क्या है जो होगी मान लो 10 साल का है आप, तो वैसे मान लो आपकी एज 40 ईयर है तो 3 साल पीछे जाएंगे तो 40 में से 3 सेपरेट कर 37 आएगा, और इसकी जो है डाटर की एज अगर हम मान ले वाई है मतलब 10 है तो 3 आएंगे पीछे तो सेपरेट में 7 आएगा, इट मींस यही होगा कि सबट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि आफ्ताब की एज जो है 3 साल पहले जो थी वो क्या थी, एक मिनट, 7 ईयर तो नहीं बोला है, 7 ईयर है वो, ओके गाइस कितना है तो 7 ईयर बोला था यहाँ पे, 7 ईयर पहले, तो यहाँ पे हम लोग 7 ईयर एगो बोला, 7 ईयर कितना होगा एगो होगा, कितना है तो 7 ईयर एगो बोला था, 7 साल पहले, देखिए फिर डाउट हो रहा है, 7 ईयर से, हाँ ठीक है, 7 ईयर जो है एगो जो है 7 टाइम थी, मतलब 7 साल पहले जो है आफ्ताब जो है वो अपने डाटर से 7 गुना बड़ा था, जैसे ये 7 साल का था तो ये कितना 49 साल के हो गए भैया हमारे, ये 6 साल के हो गए तो ये 42 साल के हो गए, ये 5 साल के हो गए तो ये कितने साल हो गए, तो यह कितना हो गया, ये अगर 7 साल के, अगर ये 5 होंगे तो कितना होगा, 7 बचे 35 साल के हो गए, इस तरीके से ये हमारा क्या है वैल्यू 7। अब यहाँ क्या होगा, आफ्ताब की 7 टाइम ग्रेटर है किससे, सन से, तो जिधर देखे इक्वल की साइन जब लगाएंगे जैसे तराजू होता है अगर उसमें बैलेंस करना होता तो एक तरफ अगर हम बटकरा रखते हैं तो दूसरी तरफ समान रखते जाते जब तक कि उसके बराबर ना हो जाए, मतलब इक्वल ना हो जाए, तो सेम इक्वेशन भी अगर इक्वल की साइन लग गई तो ये 7 टाइम ग्रेटर है तो हमें क्या होगा डाटर की तरफ 7 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस करना होगा। अब ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि ये बड़ा भैया थे, ये फादर बड़े थे 7, तो हमको डाटर में 7 से मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वेट करना, अब इसको सॉल्व करेंगे पहला इक्वेशन बन जाएगा तो होगा कितना x-7 = 7y और यहाँ हो जाएगा -49। अब इसको इधर लाएंगे तो x-7y = 7 को उधर ले जाएंगे तो उसमें सब्ट्रैक्ट को -42, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन अब जाके ये फॉर्म हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं इसका सेकंड, तो सेकंड क्या है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, सेकंड हमारा है क्या कि I shall be 3 times older as you like be, इसका मतलब दिया है 3 साल बाद जो है आफ्ताब की एज जो है, तो यहाँ कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले, कंडीशन अगर लिखेंगे लिखेंगे 3 years now, मतलब hence भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा आफ्ताब की एज जो होगी अब 3 साल बढ़ गई और जो डाटर है उसकी एज भी कितनी साल बढ़ गई, तो 3 साल बढ़ गई, मतलब प्रेजेंट एज से 3 ज्यादा, प्रेजेंट एज से इसमें भी 3 ज्यादा, मतलब प्रेजेंट एज हमारा है कितना तो एक्स है, तो इसका मतलब जो भी होगा मान लीजिए 40 साल के हैं तो इनमें 3 बढ़ा देंगे, 3 ऐड कर देंगे तो 43 हो जाएगा, ये 10 की है तो 10 में 3 ऐड कर देंगे 13 हो जाएगा, इट मीन्स हमें पर इक्वेट करना है, इसलिए क्या होगा जिधर लेस होता है उसके अपोजिट मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि तराजू का जो बैलेंस कंडीशन होता है बैलेंस कभी भी तभी माना जाता है जब दोनों तरफ इक्वल हो, इट मीन्स ये 3 टाइम मोर है ये 3 टाइम लेस है, तो 3 टाइम लेस वाले में 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वेट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 = 3y + 9, उसके बाद इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज होता है, 3x अपनी जगह 3y को लाएंगे -3y, 9 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन गाइस, आप लोग सेकंड इक्वेशन ध्यान से देख लीजिए, जरा मैं देखूं वीडियो में कोई प्रॉब्लम है दिख रहा है ना करेक्ट, उसके बाद अब इनको हमें करना है सॉल्व, ये है हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे वैल्यू लाएंगे, है ना, देख लीजिए आप ध्यान से इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन क्या है तो हमारा, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं,
तो चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस 42 और यहाँ लिखेंगे x और माइनस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे रखेंगे और दोनों x वाले सेम है, साइन अपोजिट करके इलिमिनेशन मेथड से हम कट करते माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस। मतलब समझिए इलिमिनेशन का मेथड ये होता है कि x वाले मतलब एक वेरिएबल को ही उसको क्या करते हैं सेम करके इसको काट देंगे। अब यहाँ हो गया माइनस, देखिए सेवन में से 3 सब्ट्रैक्ट हो कितना होगा 4y और यहाँ हो गया कितना माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कितना हो गया तो आ गया 48 और माइनस माइनस कट के वाई इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, तो गुड मॉर्निंग बेटा 1 and 2 हो गया, 12 आ गया। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो देखिए कितना होगा 4 12 4 जा कितना होता है 48। वाई इक्वल कितना हो गया हमारा, तो ये आ गया हमारी वैल्यू कितना 12 ईयर आ गया, 12 ईयर वाई की वैल्यू। इसका मतलब है डॉटर की एज जो है वो कितनी है 12 ईयर, ठीक है। और सन की एज निकालने फादर की एज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसी इक्वेशन में किसी में वैल्यू पुट करना, तो ये 12 को किसी इक्वेशन में रख देते, चलिए सेकंड में रखते हैं। जब सेकंड में रखेंगे होगा एक्स, उसके बाद यहाँ लिखेंगे माइनस 3 into यहाँ हो जाएगा 12 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 6, तो x इक्वल कितना होगा 12 3 जा हो जाएगा 36, 12 plus 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 42 आ जाएगा, कितना हो जाएगा कितना तो 36 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा ना, 44 हो जाएगा, 42 होगा, कितना होगा 42। अब इस कंडीशन को जानना सही या गलत है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 42 ले लिया, y की वैल्यू को कितना 12 ले लिया और इसी कंडीशन में रखेंगे। अगर आंसर आएगा सही है तो देखिए, अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, फादर का जो है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर डाटर में कितना होगा 12 7 जा कितना होगा 12 6 72 एक मिनट 12 7 84 ओके बेटा जाओ नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, इसका मतलब है 7 टाइम ग्रेटर होगा ना 42 में 12 से मल्टी डिवाइड करेंगे कितना होगा 6। इसमें करेंगे तो हमारा आ जाए कितना 36 और 36 में ऐड कर दिया कितना आ गया गाइस 42 हो जाएगा और यहाँ कितना है वाई की वैल्यू 12 12 4 48, ठीक है 42 हो गया और यहाँ पे आ गया इसका हमारा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए तो हमारा आंसर कितना है, तो 42 है, 12 है, 42 आया, ठीक ना। तो गाइज आपको समझ में आ गया, तो हमारा आंसर कितना है तो 42 है, एक आया हमारा 42 आ गया और एक आ गया 12, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें, इसलिए क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड से बोला है, सिर्फ ग्राफ बनाने को बोला है, इसलिए इसका आंसर मिलेगा नहीं, ये सिर्फ इक्वेशन बना के जो है, ये इक्वेशन हमारा ये वाला है ये मिलेगा और एक इक्वेशन ये मैच करेगा, यही इसको छोड़ दिया होगा। हाँ अलग बात है, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, इसलिए डाउट मत होइएगा, एक इक्वेशन ये है और दूसरा अगर यहाँ से लिखें तो x माइनस 3y और उधर माइनस है तो इधर आके प्लस है तो इधर माइनस आएगा, तब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये आंसर शीट से मैच करेगा, सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दिया होगा, ठीक है। पर मैं इसको इलिमिनेशन से करके दिखाऊंगा, इसलिए कि आपको आगे इलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लाई सिलेबस में किसी एक से आपको सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज है 33.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए इसमें डाल देते हैं,
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आप रीड करते हैं, आप लोग भी ध्यान से आप लोग अपने बुक से देख लीजिए। क्वेश्चन है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट 6 बॉल कितना रुपया लगा? 3900। इसका मतलब है 3 बैट खरीदा गया, 6 बॉल खरीदा गया, उसका टोटल कास्ट कितना? 3900, मतलब 3900। लेटर सी बाई अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल मतलब एक बैट खरीदा, 3 बॉल खरीदा तो उसको पे किया कितना? 1300 रुपया। तो बताना है ग्राफिकली, रिप्रेजेंट करके इसको बताना है, ठीक है? ग्राफिकली बाद में बताऊंगा, पहले मैं एलिमिनेशन सॉल्व कर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लेट करना होगा गाइस? लेट क्या? कास्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू एक्स, यहां पे रुपया। फिर आगे कास्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू वाई रुपया, ठीक है? मतलब एक बैट का कास्ट कितना होगा? तो एक्स रुपया होगा। एक बॉल का कास्ट जो वाई रुपया होगा। तो हम लोग को पहले से पता है कि कितनी बॉल खरीदनी है, 3 बैट खरीदने हैं। तो कितने बैट खरीदने हैं? 3 बैट खरीदने हमें, और उसके बाद बॉल कितनी? 6 खरीदनी। तो 3 बैट में 3 बैट और 1 बैट का जो कास्ट हो एक्स रुपीज है, प्लस उसके बाद 6 बॉल है, 1 बॉल का जो कास्ट है वाई रुपी है, और कुल मिला के कितना रुपया दे रखा है? मतलब 3900 में 3 बैट खरीदा, 6 बॉल खरीदा। इट मीन्स 3 बैट एंड 6 बॉल को बाई किया या परचेस किया रुपीज कितना? 3900 दे के। तो इसको हम क्या करेंगे? 3x 6y = 3900 लिख के फर्स्ट इक्वेशन होगा। पर जब भी कॉमन कोई क्वेश्चन होता है, कॉमन अगर आता है तो हम इसको काट देंगे। तो 3 कॉमन करके x प्लस इसमें 2y = 3 यहां से कॉमन कर लेंगे तो यह आएगा 1300, और इसको इससे काट देंगे तो x प्लस 2y = 2 ये हो गया 1300, हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है? ऐसा नहीं, तो सेकंड क्या है हमारा क्वेश्चन है आगे कि 1 बैट एंड 3 मोर बॉल। तो 1 बैट, अब देखिए 1 बैट खरीदा, इट मींस जो है 1 × 1 बैट की कास्ट कितनी होगी? x रुपीस, और 1 बैट का मतलब 1 बैट की कास्ट x है और 1 बैट का 1 हो गया, और 3 बॉल खरीदा और 1 बॉल का जो कास्ट है वो कितना है? y रुपीस है। तो हमारा पैसा दे रखा है 1300 रुपया, ये चीज कितना दे रखा है? 1300 दे रखा है। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन हमारा ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है? तो x प्लस 2y = 1300 यहाँ पे हो गया x, और यहाँ प्लस 3y = 1300। जब ऐसा इक्वेशन आएगा x प्लस 2y = 1300 और x प्लस 3y = कितना हो जाएगा? 1300। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गाइस तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है? क्यों नहीं आएगा? आप देखिए, अगर इसको हम ऐसे काट दें तो ये और ये एक साथ में कट जाएगा, तो y की वैल्यू वैसे भी नहीं आएगी, ठीक है? तो हम लोग क्या होता है इसमें कंडीशन पढ़नी है जो आगे पढ़ेंगे, a1 upon a2 = b1 upon b2 = यहाँ पे एक तो ये होता है जब इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2। इसमें क्वेश्चन को नो सॉल्यूशन में आ जाता है, a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो सिर्फ क्वेश्चन को इसी मेथड में हम सॉल्व कर सकते हैं जब a1 upon a2 ≠ b1 upon b2 आ जाए। पर अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल, देखिए कट गए, यहाँ दोनों क्या होगा? इक्वल है, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पे, बट अगला वाला क्या होगा? इक्वल हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ग्राफिकली सिर्फ दिखा सकते हैं, इसलिए इसका इक्वेशन हम क्या करेंगे, इसको फॉर्म करके छोड़ देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन होगा, इसीलिए उसने बोला इक्वेशन दिखाना और ग्राफिकली शो करना है। तो ग्राफिकली हम बाद में बताएंगे, सबसे पहले आप इक्वेशन बनाना सीख लीजिए, ठीक है? तो चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के इक्वेशन को बना दे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप लोग देखिएगा ध्यान से, क्या है? The cost of 2 kg of apple and 1 kg of grape on a day was found to be 160। मतलब एक का 2 किलो सेब और 1 किलो ग्रेप्स का जो कास्ट है 160 रुपीज है। कितना गाइस? तो 160, मतलब 1 किलो सेब और
एक किलो हमें एक किलो सेब खरीदा कितना और दो किलो कितना खरीद लिया ग्रेप्स खरीद लिया। एक किलो वन के टू के जी आप ग्रेप्स, वन के जी आप टू के जी आप एप्पल एंड वन के जी आप ग्रेप्स रुपीज 160। तो सबसे पहले हम लोग को लेट करना पड़ेगा क्या, वन के जी एप्पल कास्ट इक्वल टू कितना एक्स रुपीज, एंड यहां पे वन के जी ग्रेप्स कास्ट रुपीज वाई। एक किलो सेब और एक किलो अंगूर का कास्ट कितना, एक किलो का सेब का एक्स, एक किलो ग्रेप्स का वाई है। तो करेंगे क्या, दो किलो सेब खरीदा, एक किलो ग्रेप्स खरीदा जिसका हमें पे करना हुआ 160 रुपीज, ठीक है। मतलब 1 केजी 2 केजी एप्पल का कास्ट हो जाएगा 2 इंटू 1 केजी के एक्स रुपीज है 2x और 1 केजी ग्रेप्स का वाई है तो 1 इंटू वाई मतलब वाई लिखेंगे इक्वल टू 60 रुपीज। फर्स्ट इक्वेशन शो कर दिया, बन गया। अब क्या बोला इसमें कि आफ्टर अ मंथ द कास्ट ऑफ 4 केजी एप्पल एंड 2 केजी ग्रेप्स 300। कुछ महीने बाद चार किलो सेब खरीदा और एक किलो का रेट वही है और फिर क्या किया कि दो किलो ग्रेप्स खरीदा और जिसका कास्ट कितना है टोटल मिला के 300 होता है, ठीक है। मतलब कि इसने बताया कि दो किलो सेब 2 केजी एप्पल एंड 1 केजी ग्रेप्स कास्ट इक्वल 160, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल 160। और नेक्स्ट 1 मंथ के बाद या 4 मंथ के बाद या अगेन जो है नेक्स्ट मंथ के बाद क्या करता है, 4 केजी एप्पल खरीदता है और 2 केजी ग्रेप्स खरीदता है जिसको उसने 300 पे किया। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो 2x प्लस y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1500। इसको इससे कैंसिल करके लिखेंगे 2x प्लस y इक्वल टू 1500। ये हमारा 15 जो है 150 सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए इक्वेशन देखिए 2x y इक्वल टू, इट मीन्स जो है इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 160 और यहाँ पे 2x प्लस कितना होगा y इक्वल कितना 150। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या है सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों वेरिएबल एक साथ कट जाएंगे या तो ये क्या होगा कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा। ये कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंट की होती है पैरेलल की। इसका मतलब ये दोनों क्या करेगा एक दूसरे को या तो पैरेलल होगा कहीं टच नहीं करेगा या तो क्या होगा कि ये क्या करेगा एक ही लाइन पे सभी पॉइंट लाई करेंगे। तो इसको बोलते हैं अगर पैरेलल होगा तो नो सोल्यूशन कहीं कट नहीं करता है, अगर कोइंसिडेंट होगा इसका मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे लाई करेगी तो इसका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है पर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते बाय दी इलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि दोनों एक साथ कट जाएगा। इसके लिए मेथड नहीं हो जाए तो आपको समझ में आएगा इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इक्वेशन को फॉर्म करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। तो आया समझ में, तो चलिए हम क्या करते हैं आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए अगले एक्सरसाइज में है 30.2 में एक और क्वेश्चन कराते हैं, एक्सरसाइज को इरेज कर देते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज है कितना एक्सरसाइज है तो 3.2 है। तो इसमें हम यहाँ 3.2 बढ़ाते हैं आपको और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देखिए क्या है फर्स्ट का फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, क्या दिया है अ 10 क्या दिया है अ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। मतलब 10 बच्चे 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 जो है स्टूडेंट क्लास 10th के जो है मैथमेटिक क्विज का मतलब कोई जो है हमारा क्या कंपटीशन होता है मैथ का जिसमें 10th क्लास के 10th बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, बता दिया कि जो गर्ल्स हैं बॉयज से 4 ज्यादा है मतलब 4 क्या है मैक्सिमम है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल टू पार्ट इन अ क्विज, तो कितने जो है गर्ल्स और बॉय पार्टिसिपेट थे। तो सबसे पहले क्या दिया है लेट मान लिया बॉयज इक्वल टू एक्स एंड क्या होगा गर्ल्स इक्वल टू कितने होंगे वाई होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि दोनों गर्ल्स बॉयज मिला के कुल बॉयज कितने हैं
तो देखिए सबसे पहले होता है दोनों की संख्या 10, क्योंकि क्लास 10 के 10th स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने हैं तो 10 बॉयज मिला के कुल 10th होंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, इधर गर्ल्स लिख दो उधर बॉयज लिख दो, देखो यहाँ बॉयज यहाँ गर्ल्स, बताया कि क्या है कि जो बॉयज जो गर्ल्स हैं वो बॉयज की कितनी जाती है तो 4 जाती है। क्या लिखा कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, तो गर्ल्स कितनी 4 जो है बच्चों से ज्यादा, मतलब गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ग्रेटर है। या तो प्लस 4 इधर ऐड करेंगे या माइनस 4 इधर करेंगे, दो तरीका है, ठीक है, दोनों सही है। अगर इधर 4 ऐड करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ वाई होगा, इधर या तो हम माइनस कर दे 4 तो भी, इसका मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखें, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या, सिर्फ इक्वेशन कैसे फॉर्म करना वो देखिए, सॉल्व करना तो इलिमिनेशन से है। सबसे पहले क्या दिया है, क्लास 10 के 10th स्टूडेंट है तो जिसका नंबर टोटल 10 है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे, क्योंकि गर्ल्स को जो है बॉयज को यहाँ पे बॉयज को क्या मान लिया हमने, x और गर्ल्स को y मान लिया, x plus y equal to 10 हो गया। उसके बाद बोला कि जो गर्ल्स का नंबर है वो क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है, इसलिए 4 ग्रेटर, इसलिए क्या कर दिया, या तो 4 इधर ऐड कर दो या तो माइनस 4 कर दो, दोनों बैलेंस हो जाएगा, इसलिए सेकंड इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन है, 7 पेंसिल एंड 5 पेंसिल है, 7 कास्ट टुगेदर रुपीज 50 रुपीज। क्या बोला, 7 पेंसिल और 5 पेंसिल गाइस और 7 पेन का जो कास्ट है 50 रुपया। तो हम चलिए यहां मान लेते हैं डायरेक्ट, देखिए पेन्स कास्ट, 1 पेन कास्ट होगा, 1 पेन कास्ट इक्वल टू एक्स और 1 जो है पेंसिल, पेंसिल कास्ट इक्वल टू वाई, ये रुपीज है, यहां पर रुपीज आप लोग ना भूलिए, क्या फिर से देखिए, 1 पेन कास्ट इक्वल टू कितना, तो एक्स रुपीज, 1 पेंसिल कास्ट कितना है, पेंसिल, 1 पेंसिल कास्ट कितना है तो वाई रुपीज है। बोला क्या खरीदने को, 5 जो है खरीद लिया पेंसिल और पेंसिल का कास्ट वाई हमने मान रखा है, फिर प्लस कर दिया 7 खरीद लिया पेन जिसका कास्ट वाई है, बराबर इसने क्या बोल दिया कि 50 रुपीज पे किया। ध्यान से देखेगा क्या बोला कि पेन को हमने 7x मान लिया और पेंसिल को y मान लिया, तो 7 पेंस 5 जो है पेंसिल खरीदा और 7 क्या कर दिया पेन खरीदा, तो ये हो गया, तो 7y प्लस 5y प्लस 7x इक्वल टू 50, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया। अब क्या बोला कि वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन का उल्टा हो जाएगा, इस बार क्या बोला 7 जो है पेंसिल खरीदना है, 5 पेन खरीदना, उसका कास्ट पे किया इसने कितना, तो 46 रुपीज। देखिए ये सेकंड इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, एक पेन की कास्ट हम मानेंगे x रुपीज और एक पेंसिल का y रुपीज, तो 5 कितना पेंसिल खरीदा, तो 5 पेंसिल खरीदा, 7 पेन खरीदा, तो पे किया कितना 50 रुपीज। और सेकंड वाले में क्या दिया, इसको हमने मल्टीप्लाई साइन लगाया इसलिए एक बार और लिख दिया, और सेकंड इक्वेशन बोला कि 7 जो है पेंसिल खरीदना है और 5 पेन खरीदना जिसका कास्ट 46 है, तो ये सेकंड इक्वेशन होगा। इस तरीके से हम इक्वेशन करेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं क्वेश्चन उनको, ठीक है, आया समझ में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th वाला, मतलब 5वा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का है, तो इसलिए हम क्या करते हैं 5वा क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे, 5th क्वेश्चन को, ठीक है। डायरेक्ट पहले मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग को सॉल्व कराना। क्या दिया है, इफ The perimeter of rectangular garden, कैसा है गार्डन है, तो पेरीमीटर जानते हैं हम लोग क्या होता है, 2l plus b होता है, पेरीमीटर क्या होगा गार्डन, पेरीमीटर किसका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है, नहीं आप जानते हो, अननोन हो, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पेरीमीटर ऑफ है रेक्टेंगल का, जो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2l plus b, हाफ पेरीमीटर रेक्टेंगल हुज लेंथ 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। देखिए क्या बोला कि जो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि लेंथ कितनी है, तो लेंथ अगर हमने कंसीडर कर ली x और ब्रेथ कंसीडर कर लिया, ब्रेथ कंसीडर कर लिया y, ठीक है, ये विड्थ है, तो लेंथ x हो गया और ब्रेथ हो गया कितना
ब्रेथ हो गया वाई। तो इसमें बोला है पहले सब पेरीमीटर फार्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर का जो फार्मूला होगा वो टू होगा एल प्लस बी होगा। अगर हाफ पेरीमीटर की बात करें, हाफ पेरीमीटर की बात करें तो यहां से दो गायब हो जाएगा तो एल प्लस बी बचेगा, ठीक है ना। अब क्या बोला कि जो दोनों का हाफ पेरीमीटर है वो कितना हमारे पास है, बोला 30, कितना है तो हाफ पेरीमीटर कितना है 30 है, ऐसा नहीं तो हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। देखिए पहला इक्वेशन यहाँ आके बन गया, क्या बोला जितना लेंथ है, लेंथ x है और ब्रेथ y है, तो हाफ पेरीमीटर का मतलब यहाँ पे पहले पेरीमीटर 2l प्लस b होगा, यही 2 काट देंगे तो पेरीमीटर कितना होगा l प्लस b हो जाएगा। और हाफ पेरीमीटर का क्वेश्चन वैल्यू दे रखा है कितना 30, कि हाफ पेरीमीटर 30 है तो x प्लस y इक्वल टू 30 होगा। जब तक आप क्वेश्चन अच्छे से आपको नहीं मिला इसलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, x प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी, ये हाफ पेरीमीटर। अब क्या करना है, इसमें बताया है एक कंडीशन और है कि जो लेंथ है 4 मोर देन इट्स विड्थ। देखिए दूसरी कंडीशन हम यहां लेंगे तो लेंथ हम यहां लिखेंगे और अब यहां क्या लिखेंगे ब्रेथ लिखेंगे ये। अब यहां बोला है कि जो लेंथ है ब्रेथ से कितना 4 मोर है, क्या लिखा है लेंथ इज मोर 4 मोर देन ब्रेथ, तो अगर ये लेंथ 4 ज्यादा है तो ब्रेथ में क्या कर लेंगे 4 ऐड करके बैलेंस कर लेंगे। अब लेंथ की वैल्यू हमारे पास x है और ब्रेथ की वाई है प्लस 4 हो जाएगा ये, तो सेकंड इक्वेशन हमारा हो गया क्या एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। एक साथ लिखेंगे इसके नीचे तो एक्स माइनस यहां लिखते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ओके गाइस तो समझ में आया, आप लोग ध्यान से देखिए क्या हाफ पेरीमीटर दिया था कितना वो 30 है, तो हाफ का मतलब यहाँ 2l प्लस बी होता है, 2 काटेंगे a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, l को हमने x मान रखा और क्या ब्रेथ को y मान रखा, तो x प्लस y का 30 होगा। फिर दूसरी कंडीशन बोला कि लेंथ जो है यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x इक्वल टू y प्लस 4 कर देंगे, तो लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज्यादा है तो x माइनस y इक्वल टू 4, एक सेकंड इक्वेशन भी बन सकता है यहाँ से ऐसे भी, ठीक है तो आप समझ लीजिए। तो चलिए इसमें अभी क्वेश्चन हमारे पास है, अब तो इक्वेशन वाला नहीं रहा, ठीक है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं आपको और इसके इस चैप्टर के जो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जितने वर्ड प्रॉब्लम पहले मैं उनको सॉल्व करा दूंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप क्वेश्चन को कर सके, पर आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ओके गाइस तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।